राजकोषीय नीति का अर्थ है स्त्रीकरण या विकास के लिए सरकार द्वारा कराधान और सार्वजनिक व्यय का उपयोग है। कुल बर्फस्टॉन के अनुसार राजकोषीय नीति का अर्थ सरकारी कार्रवाई द्वारा इसकी प्राप्तियों और व्यय को प्रभावित करना है, जिसे आमतौर पर सरकार की प्राप्तियों के रूप में मापा जाता है। यह अधिशेष या घाटे के रूप में होती है। सरकार सार्वजनिक व्यय और करों के द्वारा व्यक्तिगत आय के स्तर और संपूर्ण आय को भी प्रभावित कर सकती है। राजकोषीय नीति आर्थिक आंकड़ों और प्रभावों मौद्रिक नीति को भी प्रभावित करती है। जब सरकार अपने खर्च की तुलना में अधिक आय प्राप्त करती है तो इसे अधिशेष के रूप में जाना जाता है। जब सरकार अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करती है तो इसे घाटे की स्थिति कहा जाता है। इस अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सरकार घरेलू या विदेशी स्रोतों से उधार लेती है, बांड जारी करती है और नई मुद्रा को प्रिंट करती है। एक व्यापक परिदृश्य में देखा जाए तो पैसे का अत्यधिक मुद्रण अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति को बढ़ाने में मदद करता है। यदि सरकार विदेशों से ज़्यादा मात्रा में उधार लेती है तो यह देश को एक ऋण संकट की ओर ले जाता है। ज़्यादा मात्रा में विदेशों से उधार लेने से देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है और देश का भुगतान संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राजकोषीय नीति एक दुधारी तलवार है, जिसे बहुत ही सावधानी से चलाने की जरूरत होती है।